नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। पिछले 3 महीने में हमने कहीं पर भी ट्रैवल नहीं किया। इस दौरान में मैंने अपने घर में कुछ हेल्दी रेसिपीज ट्राई करी हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। चलिए आज के दिन रेसिपी नंबर 1। आजकल मैं वीक में 1 या 2 बार आलमंड मिल्क से स्मूदी बना के पीता हूं। तो हमारे पास क्या क्या रेडी है इसके लिए? आलमंड मिल्क, पीनट बटर, बनाना, कीवी और चिया सीड्स। मैंने हाफ बनाना, हाफ कीवी और 1 चम्मच पीनट बटर लिया है। यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जितना हमको आलमंड मिल्क चाहिए। वैसे आलमंड मिल्क घर पर भी बनाया जा सकता है। अब ये जो पैकेट हमने लिया ना, इसको खोलने के बाद हमें इसको 3 दिन में कंज्यूम करना रहता है। घर में बनाएंगे तो भी 3 से 4 दिन, इतना बहुत है। इन सबको हम मिक्सी में ट्रांसफ़र करेंगे और हमारी स्मूदी तैयार। अभी इसको ना हमें आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना चाहिए जिससे कि ठंडा हो जाए, उसके बाद पियेंगे। इस पर हम 1 चम्मच चिया सीड्स ऐड कर रहे हैं। चिया सीड्स सब्जा सीड्स नहीं है, उससे अलग है। ये डालने से क्या है, एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू और दूसरी बात है कि आपका जो मिक्सचर है ना, ये थिक हो जाएगा। आधे घंटे बाद आप नोटिस करेंगे इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। लो जी, हमारी स्मूदी रेडी है। इसको मैंने लगभग 45 मिनट फ्रिज में रखा। इस ग्लास में जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं, ये अपने आप में फुल मील है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना चाहते हो तो आप कीवी को स्ट्रॉबेरी से रिप्लेस कर सकते हो। बनाना तो रखिएगा, वो अपना टेस्ट बहुत मजेदार आता है। स्ट्रॉबेरी डालने से रंग भी बदल जाएगा और टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। अब आपसे मैं कल मुलाकात करता हूँ एक डिफरेंट रेसिपी के साथ। अगला दिन आज मैं नाश्ते में अपने लिए लेमन ओट्स बना रहा हूँ। आप एक बार इंग्रेडिएंट्स देखिए। शिमला मिर्च और गाजर मैंने आधी आधी लिए, छोटे पीसेस में काट लिया। 3 चम्मच मैंने ओट्स लिए, स्मॉल साइज का मैंने प्याज लिया, साथ में 1 हरी मिर्च और 2 कड़ी पत्ता। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, लगभग आधा चम्मच सरसों, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। सरसों कड़क गई है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को पैन में लगभग 2 मिनट हो गए हैं, खुशबू आ चुकी है। अब हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर देंगे। मैं इसमें 2 चम्मच ओट्स यूज कर रहा हूं, 1 और 2। अब आधा मिनट के अंदर ही हम इसमें लगभग 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अभी तक का सारा प्रोसेस लगभग 5 मिनट में हो गया है। अब हमें इसे पकाने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो बेहतर रहेगा हम इसको किसी बर्तन से ढक देते हैं। लो जी, लगभग 4 से 5 मिनट हो गए। अपने टेस्ट के मुताबिक आप वेजिटेबल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओट्स हमारे ऑलमोस्ट तैयार हैं, तो इसको हम अब ऑफ कर देते हैं। काफ़ी बार मैंने लेमन ओट्स खाए, मैंने देखा गर्म में खाने का मज़ा नहीं आता, ना ही उसको ठंडा करके खाने में मज़ा आता है, तो हमको थोड़ा कोसा रखना होता है। अब इसमें हम लेमन डालेंगे, कोसा मतलब ल्यूक वॉर्म। या नींबू का बीज भी चला गया था, इसको बाहर निकाल लेंगे। मल्टीपल स्वाद है, वेजिटेबल तो है ही है, साथ साथ ओट्स का स्वाद, नींबू की खटास और तड़का तो आपने देखा। ये बड़ा मजेदार टेस्ट है। हरी मिर्च आज मैंने थोड़ी सी ज्यादा डाली थी, आमतौर पे मैं आधी हरी मिर्च डालता हूं, आज मैंने पूरी हरी मिर्च डाली, तो उससे टेस्ट में करारापन आज ज्यादा है। बाकी आपकी पसंद है, जैसा टेस्ट आपको पसंद हो। कुछ लोग ऐसी रेसिपी में लाल मिर्च भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी पसंद है, बट वेरी टेस्टी। इस तरह का एक बाउल नाश्ता आप कर लो, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं अब इसको फिनिश करता हूं और आपसे कल मुलाकात करता हूं। पिछले 2-3 दिन से मैं आपसे नाश्ते में कुछ ना कुछ शेयर कर रहा हूँ।
आज मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ पोस्ट एग। दो डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। मैंने दो पैन सामने पानी डालकर बॉयल होने ऑलरेडी रख दिए हैं। एक तरीका है जिसमें मैंने कटोरी में बटर से ग्रीसिंग कर दी है, और दूसरे तरीके में हम अंडे को डायरेक्टली पैन में डालेंगे। अंडा मैं कटोरी में डाल चुका हूँ, अब क्या करेंगे, इसको हम पानी ऑलरेडी बॉयल हो चुका है इसमें शिफ्ट कर देते हैं। इसको हम दूसरे पैन में इस तरह से डाल देंगे। पोस्ट एग तैयार होने में 3 से 3.5 मिनट लगते हैं। आप देख रहे हो व्हाइट पोर्शन थोड़ा फैल सा गया है। अब आते हैं दूसरे पैन पे। 2 मिनट के आसपास समय ऑलरेडी हो चुका है। कटोरी में अंडा डालने से क्या है, जो शेप निकल कर आएगी ना वो यूनिफॉर्म होगी। दोनों पैन पे पोस्ट एग तैयार हो चुका है। गैस को कर देते हैं बंद और इस तरह से हम एग को बाहर निकाल लेते हैं। ब्रेड का टोस्ट हमारा तैयार है। ये देखिए आप एग। कटोरी भी ठंडी हो चुकी है। आराम से इसको यहां पे ट्रांसफर करेंगे। टेस्ट के लिए थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेंगे। चलिए अब चल के खाते हैं। आपको मैं थोड़ा सा यहां ब्रेक करके दिखाता हूं। पोस्ट एग का जो टेस्ट है ना, ये ऑमलेट और बॉइल्ड एग के बीच का आता है, यानी आपको दोनों फ्लेवर का हल्का हल्का एहसास होता है। दूसरी बात, काली मिर्च डालने से ऑब्वियसली टेस्ट इंप्रूव हो गया। इस तरह का अंडा आप भी आप घर में ट्राई कर सकते हो, आप भी खूब इंजॉय करेंगे। हफ्ते में एक आध बार दो बार अपनी पसंद के हिसाब से आप खाते रहिए। अब आपसे मैं कल सुबह मुलाकात करता हूँ। वीक में एक या दो बार मैं दूध में ओट्स डाल के खाता हूँ, यही मेरा आज का नाश्ता भी है। गैस पर ऑलरेडी मैंने दूध गर्म होने को रख दिया। लो जी, दूध बॉयल हो चुका है। गैस को कर देते हैं बंद और हम डाल देते हैं लगभग 3 चम्मच ओट्स इसमें। मैंने लगभग 1.5 कप दूध लिया था। 10 मिनट इंतज़ार करते हैं ठंडा होने के लिए। दूध ठंडा हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे। ये सामने आप हनी देख रहे हैं ना, ये मैं उड़ीसा से लेकर आया था, काफ़ी अच्छा निकला। समझ लीजिए आखिरी के 3-4 चम्मच ही बचे हैं। लो जी, छोटा बनाना और छोटा एप्पल इसमें हम मिक्स कर लेंगे। साथ में लगभग 5 गिरी बादाम है और 3 गिरी अखरोट। बादाम को आप देख रहे हो मैंने छीला हुआ है, रात को मैंने पानी में भिगो दिया था। मौसम के हिसाब से छील के खाना चाहिए क्योंकि अभी गर्मी है। लो जी, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। इस तरह का नाश्ता न्यूट्रिशियस तो है ही है, उसके साथ साथ फीलिंग भी है। जैसे इस समय सुबह के 9:30 बजे हैं, आप यकीन मानो इतना खा लेने के बाद ना दोपहर में 1:30 बजे तक या 2 बजे तक भूख नहीं लगेगी। अच्छा खासा फीलिंग है। ये मैं समझ लीजिए हफ्ते या 10 दिन में एक बार तो ज़रूर खाता हूँ। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको लगे हाथ। आज से कुछ हफ्तों पहले तक स्प्राउट्स निकल आने के बाद मैं बॉयल करता था, ठंडा हो जाने के बाद खाता था और 1 या 2 दिन तक फ्रिज में रख लेता था ज़रूरत के मुताबिक। कहीं मैंने पढ़ा कि बॉयल करने से उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो पिछले कुछ हफ्तों से मैं बॉयल नहीं कर रहा। क्या करते हैं, इसमें हम थोड़े से टमाटर और प्याज को छोटा छोटा काट के डाल देते हैं, ऊपर चाट मसाला और नींबू डाल के खाते हैं, बड़ा स्वाद आता है। मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट में भी और कभी कभी शाम को स्नैक के तौर पर भी। बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। अपने फूड एक्सपीरियंसेस भी आप हमसे शेयर करिए। आप इस लॉकडाउन के दिनों में घर में क्या क्या खा रहे हैं। साथ में आपसे गुड न्यूज़ भी शेयर करता हूँ। कुछ महीनों पहले मैंने अपना लोएस्ट वेट अचीव किया था 80 kg। पहले मैं 87 होता था। मैंने 5 साल लगाए, या 4 साल लगाए और 7 kg कम किया, और पिछले 3 महीने में मेरा 1 किलो वजन और कम हुआ है। नाउ आई एम 79। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।